Hello friends, myself is Sunil Kumar from Institute of Medical Sciences and you are watching ACS Tutorials. आज का जो डिस्कशन है वो के टी जी के इंट्रोडक्शन पार्ट पर अपन डिस्कशन करेंगे। इसमें के टी जी के थ्योरीज को डिस्कस करेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी देखेंगे। हमने अभी तक हीट में क्या क्या कर लिया, तो हीट में अपन तीन टॉपिक को अच्छे से कर चुके हैं, हीट ट्रांसफर, कैलोरीमेट्री एंड थर्मल एक्सपेंशन। ये अपना फोर्थ टॉपिक है, दैट इज के टी जी। इसके बाद एक टॉपिक बचेगा, दैट इज योर थर्मोडाइनमिक्स। क्लियर, तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अभी तक यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जरूर चैनल सब्सक्राइब करें, नीचे रेड कलर का बटन सब्सक्राइब बटन उसको क्लिक करें और सपोर्ट करें हमें। चलिए तो सबसे पहले आते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जो पूरा चैप्टर है अपना के टी जी या थर्मोडाइनमिक्स, तो आप उसमें जितना पढ़ोगे उसमें से मेनली जो आपको दिखेगा हर जगह दो चीज़ें हर जगह यूज होगा। एक तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका हर जगह आएगा, फिर उससे रिलेटेड एफ के बारे में, एफ की वैल्यू मोनोएटॉमिक डायटॉमिक के लिए हर जगह हर क्वेश्चंस में आते रहते हैं, मतलब हर टॉपिक्स में आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले उसको क्लियर करते हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम है क्या, वैल्यू कैसे निकालते हैं, उसका कैसे यूज करेंगे क्वेश्चंस में। चलिए तो देखिए, सबसे पहले डिग्री ऑफ फ्रीडम का मैंने एक जनरल फॉर्मूला लिखकर मैं बताया आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम है क्या। तो टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज बाय अ सिस्टम कैन गेन एनर्जी, मतलब इट इज टॉकिंग अबाउट द वेज टू गेट एनर्जी। ठीक है, तरीका जिससे कि हम एनर्जी को गेन कर सके, उसी को बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। नाम ही है ना डिग्री ऑफ फ्रीडम, मीन्स फ्रीडम मीन्स आज़ादी है उसके पास, ठीक है, ताकि बहुत सारे मेथड से वो एनर्जी गेन कर सके। अब देखिए, ये तो थ्योरी था, इसका कोई यूज नहीं है। काम की बात जो अपने लिए है, वो काम की बात क्या है कि जो मोनोएटॉमिक गैस है, फॉर मोनोएटॉमिक गैस वैल्यू ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी 3 एंड फॉर डायटॉमिक गैस द वैल्यू ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी 5। दिस इज द मतलब ये जो पार्ट अभी मैं बताया आपको, एफ इजकल टू 3, एफ इजकल टू 5, ये आपके क्वेश्चन में यूटिलाइज होगा। तो इसलिए आप इन चीज़ों को ध्यान रखें, ठीक है, कि मोनोएटॉमिक का वैल्यू कितना होगा 3 और डायटॉमिक का वैल्यू कितना होगा 5। ये थ्योरेटिकल पार्ट आप ध्यान रखें, बस काम आएगा। चलिए अब आते हैं हम लोग बेसिक कॉन्सेप्चुअल पार्ट पर, आपको अच्छा लगेगा। किसी भी एक मॉलिक्यूल के पास तीन तरह के एनर्जी होते हैं, एक ट्रांसलेशनल, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल। वाइब्रेशनल एनर्जी एट हाई टेम्परेचर, ठीक है, जब तक क्वेश्चन में हाई टेम्परेचर ना दिया जाए तब तक आपको वाइब्रेशनल एनर्जी को नहीं मानना है रोल में। रोल में किसको मानना है, ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल। ट्रांसलेशनल का काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है पता है आपको, हाफ एम बी स्क्वायर, एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, हम एक एक करके एक एक गैस को डिस्कस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मोनोएटॉमिक गैस। ओके, मोनोएटॉमिक गैस मीन्स देर इज ओनली वन एटम, सच सपोज यू आर टेकिंग नाइट्रोजन और यू टेकिंग ऑक्सीजन लाइक दैट। नाउ काइनेटिक एनर्जी, एंड वी हैव टू राइट काइनेटिक एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू इच एक्सिस, मीन्स हाफ एम वी एक्स स्क्वायर, हाफ एम वी वाई स्क्वायर एंड हाफ एम वी जेड स्क्वायर। ओके, देर इज थ्री एक्सिस, एंड इन तीनों एक्सिस पर ये मॉलिक्यूल्स मूव कर सकता है, मतलब ये मॉलिक्यूल इधर भी जा सकता है, ये मॉलिक्यूल आपको इस एक्सिस पर जा सकता है, इस एक्सिस पर जा सकता है। इसको मैंने एक्स मान लिया, इसको मैंने वाई मान लिया, इसको मैंने जेड मान लिया, तो ये जो मॉलिक्यूल है, कोई एक एटम जो है, एटम ऑफ गैस, इधर भी जा सकता है, इट कैन गो इधर एंड आपको इधर भी जा सकता है, यानी कि तीनों में जा सकते हैं, यानी कि उसका तीनों की तरफ क्या आएगा, आपका काइनेटिक एनर्जी का कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा। ठीक है, अब हम ये देख लिए, अब हम देखते हैं रोटेशनल। रोटेशनल के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, देखिए रोटेशनल के लिए क्या करना पड़ता है, आई निकालना पड़ेगा ना, आई क्या होता है एम आर स्क्वायर, आर क्या होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, आर क्या होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब देखिए ये एटम कहाँ है, सेंटर पर है, तो जो एक्सिस है वो इसके एटम के सेंटर से पास कर रहा है, मतलब ये एटम है तो इसका वाई एक्सिस ऐसे पास कर रहा है, एक्स एक्सिस इसी के अलोंग है, जेड एक्सिस इसी के अलोंग है, तो ये पार्टिकल यदि मूव करता है इधर, मान लीजिए एक्स एक्सिस पर मूव करता है, तो जो एक्स एक्सिस क्या है इसका मूव कर रहा है इधर। ठीक है, तो जब हम इसका लेंगे ये, तो ये अलोंग द एक्सिस आ जाएगा, और अलोंग द एक्सिस आ गया तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस इज जीरो,
इसको अपन डिस्कस करेंगे अच्छे से, इसलिए आप घबराइए नहीं। जब अपन रोटेशन करेंगे तो अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो यदि आपको यहाँ पर समझ नहीं भी आ रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ध्यान रखें कि तीनों काइनेटिक एनर्जी होगा, लेकिन इसके पास एक भी रोटेशन एनर्जी नहीं होगा। रोटेशन एनर्जी क्यों नहीं होगा, जो लोग समझ सकते हैं उनके लिए बताया आपको, यहाँ पर एक्सिस ऑफ रोटेशन के लॉन्ग ही एटम एक ही एटम है, तो वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के लॉन्ग ही आ जाएगा, तो उसका कोई रोटेशन एनर्जी नहीं आ पाएगा किसी भी एक्सिस के लॉन्ग। इसी कारण से जो मोनोटॉमिक गैस है उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आएगा, 3 आएगा। एट लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह भी डायटोमिक गैस की बात करेंगे, ठीक है। इसी तरह भी डायटोमिक गैस की बात करते हो तो ये मान लो एक्स वाई जेड, एक एटम यहाँ होगा एक एटम यहाँ होगा, ठीक है। तो जो काइनेटिक एनर्जी है ट्रांसलेशनल, वो तो तीनों एक्सिस के लॉन्ग आएगा, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। हाफ एम बी एक्स स्क्वायर भी आएगा, हाफ एम बी वाई स्क्वायर भी आएगा, और हाफ एम बी जेड स्क्वायर भी आएगा। तो ट्रांसलेशनल जो है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, 3। माइंड इट, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, 3। ये जो 3 और 5, ये जो मैंने 5 बताया, ये ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल को सम करके। अब क्या देखिए, इस एक्स यदि हम वाई एक्सिस लेते हैं तो ये दोनों एटम है वो अलोंग द एक्सिस नहीं आ रहा, क्योंकि एटम यहाँ, ये तो बॉन्ड है बीच का, ये एटम यहाँ आता है, अलोंग द एक्सिस नहीं आ रहा। अब इस एक्सिस को लेंगे, ठीक है, तब भी ये दोनों एटम अलोंग द एक्सिस नहीं आ रहा है, उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस है एटम का, देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ रहा है एटम का। लेकिन जब एक्स एक्सिस को लेंगे तब एटम अलोंग द एक्सिस आ रहा है, यानी कि एक्स एक्सिस की जब हम बात करेंगे तब क्या होगा, अपना रोटेशनल एनर्जी कितना होगा, 0। लेकिन आप यदि वाई और जेड एक्सिस की बात करते हैं तो रोटेशनल एनर्जी कुछ ना कुछ आएगा, रोटेशनल एनर्जी कुछ ना कुछ मिलेगा आपको, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, जो आपका डायटोमिक गैस है, दिस इज योर डायटोमिक गैस, डायटोमिक गैस के पास क्या होगा, 3 ट्रांसलेशनल एंड 2 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। सो द सम विल बी 3+2, दैट इज योर 5। क्लियर है। अब आते हैं हम लोग ट्राईटोमिक गैस के लिए। ट्राईटोमिक का मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, इतना कॉन्सेप्ट आप ध्यान रख ले। ट्राईटोमिक का अभी 2 पार्ट होता है, एक आपका लीनियर होगा एक आपका नॉन लीनियर होगा। जो आपका लीनियर है उसके लिए 5 होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम का वैल्यू, और जो नॉन लीनियर है दैट इज योर नॉन लीनियर मीन्स उसके लिए 6 होगा, उसके लिए 5 होगा। लीनियर मीन्स CO2 ले लीजिए आप, नॉन लीनियर मीन्स SO2 ले लीजिएगा आप। तो वैसे ध्यान रखना आपको ट्राईटोमिक का। बेसिकली जो क्वेश्चन आते हैं इसमें वो मोनोटॉमिक डायटोमिक के आएंगे, लेकिन आप ट्राईटोमिक भी ध्यान रखें, जो लीनियर है तो 5 और नॉन लीनियर है तो 6। तो इसमें अभी तक हमने क्या देखा, बेसिक में आपको मैं कोशिश किया बताने का कॉन्सेप्ट, मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकला है, ठीक है। रटा हुआ तो है ही हम लोग को कि भाई 3 होता है, 5 होता है, 6 होता है, तो काम भी वही आता है, मतलब आप जो क्वेश्चंस करेंगे तो आपको मिले काम भी वही आएगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली आपको यदि पता होगा कि कैसे ये ड्राइव किए तो आपको अच्छा लगेगा। चलिए अब मूव ऑन करते हैं हम लोग, अगला जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे हम लॉ ऑफ मतलब इंटरनल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इंटरनल एनर्जी। सबसे पहला था मैक्सवेल, मैक्सवेल के अकॉर्डिंग मैक्सवेल जो थ्योरी दी है, तो थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था कि एनर्जी, उनका थ्योरी पर डिस्कस करते हैं हम, ठीक है। एनर्जी एसोसिएटेड पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, क्या मैंने बोला, एनर्जी एसोसिएटेड विथ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम इजकल टू हाफ KT, ठीक है। उन्होंने मतलब ये थ्योरी दिया था, सिंपल ये बताया था मैक्सवेल, उनका मैं स्टेटमेंट पढ़ के आपको सुना दे रहा हूँ, ठीक है। मैं लिख के भी लाया हूँ, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल द एनर्जी एसोसिएटेड पर डिग्री ऑफ फ्रीडम पर मॉलिक्यूल, ओके, एनर्जी एसोसिएटेड विथ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट पर मॉलिक्यूल, वन मॉलिक्यूल। सो एनर्जी एसोसिएटेड विथ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम पर मॉलिक्यूल विल बी हाफ KT, ठीक है। और आपको इसमें से बहुत चीज़ पता ही होगा, आपको K तो पता ही होगा, बोल्ट्जमान कॉन्स्टेंट है ये, ठीक है। क्या है, बोल्ट्जमान कॉन्स्टेंट है, ये टेम्परेचर केल्विन में रखना है आपको। तो देखिए, अच्छा एक चीज़ और भी जो भी देता हूँ आप तक कन्फ्यूजन ना, एनर्जी एसोसिएटेड विद पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये मैं लिख भी देता हूँ ताकि अच्छा रहेगा, पर मॉलिक्यूल, ठीक है। एनर्जी एसोसिएटेड विद पर डिग्री ऑफ फ्रीडम पर मॉलिक्यूल, अब इसी से निकालते हैं हम, एनर्जी एसोसिएटेड विद एक, ऐसे निकालते चलो, एक डिग्री ऑफ फ्रीडम को मैं DOF लिख रहा हूँ, ठीक है, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम पर मॉलिक्यूल, एनर्जी कितना है आपका, हाफ KT, ठीक है। हम यदि F डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करेंगे पर मॉलिक्यूल, तो एनर्जी एसोसिएटेड कितना हो जाएगा, हाफ F KT, ठीक है। और यदि N मॉलिक्यूल की मैं बात करूं, N मॉलिक्यूल की बात करूंगा, तो कितना हो जाएगा, NF KT/2। तो आप अपने अकॉर्डिंग इस
पूरी इक्वेशन को वेरी कर सकते हैं, लेकिन जो बेसिक चीज़ आपको क्या देखना है, एनर्जी एसोसिएटेड विथ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम पर मोलिक्यूल, एनर्जी एसोसिएटेड विथ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम पर मोलिक्यूल इज योर हाफ के टी। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको, एनर्जी पर डिग्री ऑफ फ्रीडम पर मोलिक्यूल कितना होगा, हाफ के टी होगा, क्या बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है, टेम्परेचर। अब मैं उसको डिराइव करिए, एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास एनर्जी है हाफ के टी, तो एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास एनर्जी कितना होगा, हाफ एफ के टी। यदि एन मोलिक्यूल क्वेश्चन में बोल दे आपसे, तो आप निकाल सकते हैं एन एफ के टी बाई टू, आगे कर सकते हैं। देखिए ये पार्ट तो आप खुद कर सकते हैं, ठीक है, जो आपको ध्यान रखना है ये पार्ट रखना है, ये पार्ट क्या रखना है आपको, याद रखना है, ठीक है, दैट इज योर एनर्जी एसोसिएटेड विद पर डिग्री ऑफ फ्रीडम पर मोलिक्यूल इज इक्वल टू हाफ के टी एंड के इज योर बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट, क्लियर है, तो ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। क्वेश्चन तो आप कर ही लेंगे, उसमें मुझे पता है, क्वेश्चन कर लोगे आप। अब एक और चीज़ डिस्कस करते हैं यहाँ पर, एनर्जी हमेशा क्या होता है, एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। लेकिन जब हम लोग आइडियल गैस पढ़ते हैं तो आइडियल गैस में एक रूल पढ़ते हैं क्या, कि जो आइडियल गैस के जो मतलब मॉलिक्यूल्स होंगे, आपने पढ़ा होगा हाइपोथेसिस में, मॉलिक्यूल्स हैव नो अट्रैक्शन, मतलब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ इंट्रैक्शन नहीं करेगा, ठीक है, ये आप बेसिक हाइपोथेसिस पढ़ते हैं आइडियल गैस के बारे में। तो जब एक मॉलिक्यूल आपस दूसरे मॉलिक्यूल का अट्रैक्ट नहीं कर रहा, मतलब ये दो मॉलिक्यूल है, इन दो मॉलिक्यूल के बीच में आपस में कोई भी इंट्रैक्शन नहीं है, इन दोनों मॉलिक्यूल के आपस में कोई भी इंट्रैक्शन नहीं है, यदि इंट्रैक्शन नहीं है तो पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हुआ क्या, नहीं, पोटेंशियल एनर्जी तब डेवलप होता है जब दो मॉलिक्यूल आपस में अट्रैक्ट हों, रिपेल हो, मतलब आपस में इंट्रैक्शन हो दो मॉलिक्यूल के, उसके कारण जो उत्पन्न एनर्जी होता है उसको बोलते हैं क्या हम लोग, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगा आइडियल गैस के केस में, तो जो एनर्जी होगा किसके इक्वल होगा, काइनेटिक एनर्जी केस, काइनेटिक एनर्जी का इक्वल होगा, ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपको, ये काफ़ी बार पूछा जाता है। अब इससे क्वेश्चन कैसे निकालिएगा, आप जो निकाले ना अभी एनर्जी पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है, इसको मैं जैसे लिख देता हूँ, पर डिग्री ऑफ फ्रीडम पर मोलिक्यूल, आपने क्या निकाला था, हाफ के टी, ठीक है ना, ये यही टोटल एनर्जी भी है और यही काइनेटिक एनर्जी भी है, क्योंकि टोटल एनर्जी इक्वल टू क्या है, काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है। तो आपको क्वेश्चन में यदि काइनेटिक एनर्जी पूछे या टोटल एनर्जी पूछे तो आपको घबराना नहीं है, आपको एक ही टाइप के आंसर्स देने हैं, ये क्लियर होगा, नहीं समझ में आ रहा है नहीं बात, ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपको, कभी घबराना नहीं है आपको, टोटल एनर्जी पूछे काइनेटिक एनर्जी पूछे द आंसर विल बी ऑफ सेम टाइप। तो अब हम डिस्कस करते हैं सी पी और सी बी के बारे में, ठीक है, ये है क्या, देखिए सी पी और सी बी कुछ नहीं है, दीज आर द मोलर स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर दैट इज नोन एज योर सी पी एंड एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम दैट विल नोन एज योर सी बी एंड द फॉर्मूला फॉर सी पी इज योर एफ बाई टू प्लस वन इन टू आर, दिस एफ इज योर डिग्री ऑफ फ्रीडम एज वी हैव डिस्कस्ड एंड दिस आर यू आर नोइंग पी बी इज इक्वल टू एन आर टी दैट आर इज हियर। नाउ कमिंग टू द स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट, माइंड इट, दिस इज अ मोलर स्पेसिफिक हीट, नॉट ग्राम स्पेसिफिक हीट, दिस इज अ मोलर स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट एट योर कॉन्स्टेंट वॉल्यूम सी बी, इट्स फॉर्मूला इज एफ बाई टू इन टू आर, वन मोर फॉर्मूला, ओके, दिस इज द गामा एडियाबेटिक कोफिशियंट ऑफ, ओके, एंड इट्स वैल्यू इज जस्ट डिवाइडिंग सी पी बाई सी बी, सो गामा वैल्यू इज सी पी बाई सी बी, वन मोर फॉर्मूला इज मेयर्स फॉर्मूला दैट इज सी पी माइनस सी बी इक्वल टू आर, ओके, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर माइनस मोलर स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम विल गिव यू आर। सो आपको क्या करना है, इन चार फॉर्मूलों को अच्छे से याद रखना है, ठीक है, ये काफ़ी काम आएंगे आपके, ठीक है। चलिए अब थोड़ा हम गौर करते हैं कि जो फॉर्मूलेज आए हैं वो कैसे आए हैं, आपको थोड़ा कंसेप्ट समझ में आएगा। देखिए एक फॉर्मूला आपको पता होगा थर्मोडाइनमिक्स के हिसाब से, डेल्टा क्यू क्या होता है, जो ये हीट एनर्जी इक्वल टू चेंज इन योर एनर्जी इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन, ये पढ़ेंगे हम लोग जब थर्मोडाइनमिक्स डिस्कस करेंगे, तो सबसे पहला फॉर्मूला अपन ये डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी उसको ले लेते हैं एक बार। और हीट का फॉर्मूला क्या होता है, एन सी वी डेल्टा टी, और डेल्टा एनर्जी इंटरनल एनर्जी का फॉर्मला अभी डिस्कस किया था हमने, एफ बाई टू एन आर डेल्टा टी, यदि टेम्परेचर चेंज हो रहा हो तो एन आर डेल्टा टी लिख सकते हो उसको। अब चूंकि कॉन्स्टेंट वॉल्यूम है और वर्क क्या होता है पी डी वी, अब डी वी चेंज ही नहीं हो रहा है कॉन्स्टेंट वॉल्यूम है, डी वी मतलब क्या होता है चेंज इन वॉल्यूम, और वॉल्यूम चेंज ही नहीं हो रहा है तो क्या होगा, वर्क डन क्या हो जाएगा आपका जीरो, क्योंकि जो प्रेशर वो किससे मल्टीप्लाई होगा डी डब्ल्यू से, जो कि जीरो है खुद डी वी से, जो कि खुद जीरो है, तो वर्क डन क्या होगा जीरो। तो आप यहाँ से आसानी से सी वी निकाल सकते हो, ठीक है, सी वी निकल के आ जाएगा एफ आर बाई टू, तो ऐसे ही इसको डिराइव किया सी वी को। सी पी को डिराइव करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, जो डेल्टा क्यू है वो आपको क्या किस पर रखना होगा, कॉन्स्टेंट प्रेशर, तो एन सी पी डेल्टा डी,
एनर्जी तो वही रहेगा एफ बाई टू एन आर डेल्टा डी, क्योंकि देखिए जो ये डी यू है ये चेंज नहीं होगा कभी भी, और वर्क डन क्या होगा एन आर डेल्टा डी, ये डिस्कस करेंगे वर्क डन कैसे आया। ऐसे ही यहाँ देखिए पी डेल्टा भी है और पी भी इक्वल टू क्या होता है एन आर टी, तो यदि डेल्टा भी चेंज हो रहा तो टेम्परेचर चेंज हो रहा होगा, तो इसलिए क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर वर्क डन इक्वल टू ऑल्सो नोन एज एन आर डेल्टा टी, ठीक है। जैसे पी डेल्टा भी लिखे उस तरह एन आर डेल्टा भी लिख सकते हो, तो यहाँ एन आर डेल्टा लिख दिया, और फिर यहाँ से आप सी पी कैलकुलेट करके निकाल सकते हो, डेट इज योर एफ बाई टू प्लस वन इंटू आर, ठीक है। तो क्या करना इन चारों फॉर्मूले को और इसको अच्छे से याद रखना है, इस पर बेसिस मैं क्वेश्चन देखता हूँ, यदि क्वेश्चन है तो मैं कोशिश करवाऊँ करवाने का आपको, ठीक है। यदि इस पर बेसिस क्वेश्चन मिल जाए आपको तो करवाने का, हाँ एक क्वेश्चन जो है कि जो ये गामा है, ठीक है, ये पूछा था आपसे, हाँ ये इसका पूछा था, जो गामा है आपको उसको एफ के टर्म में लिखना है, मतलब गामा क्या है सी पी बाई सी बी है, तो पहले सी पी का फॉर्मूला लिखिए एफ बाई टू प्लस वन इंटू आर अपॉन सी बी एफ बाई टू इंटू आर, और आपको एफ के टर्म में गामा का आंसर निकालना है। ये आपको आया है ए पी एम टी 2015 में ये क्वेश्चन आया, जैसा मुझे दिख रहा है क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। तो आप इसको जरूर देखें एक बार, ए पी एम टी 2015 में क्वेश्चन आया, फिर मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ एक बार यदि और भी कहीं क्वेश्चन आया हो तो। चलिए इस पर क्वेश्चन दो तीन बार आ चुके हैं और ठीक इसी तरह आते हैं, देखिए क्या सिंपल सिंपल कि कभी पूछता है आपसे कि गामा का वैल्यू बताइए सी वी के टर्म में, कभी पूछता है एफ के टर्म में, तो आप आसानी से बता सकते हो। अब इसमें हम क्या रखना है, हम लोग को याद है अभी एफ क्या होता है थ्री होता है मोनोटोमिक गैस के लिए, एफ क्या होता है फाइव होता है डायाटोमिक गैस के लिए, तो आपको सी पी और सी वी मोनोटोमिक और डायाटोमिक दोनों के लिए याद करना है, गामा भी याद करके रखो, ठीक है। बार बार निकालने में मुश्किल होगा तो आप कोशिश करो कि याद ही हो जाए, तो अच्छा सी पी सी बी एन गामा, ठीक है। तो ये था अपना बेसिक इंट्रोडक्शन क्लास फॉर योर के डी जी, अगले वीडियो में अपन और बात करेंगे के डी जी के बारे में, फिर क्वेश्चन करेंगे, इस वीक तक अपन खत्म कर लेंगे हीट, इसकी टेंशन न ले आप। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, आप लाइक करें वीडियो को यदि अच्छा लगा हो तो, और बाय बाय। टारगेट 30+ को कंप्लीट करने की कोशिश करते रहिए आप लोग, ठीक है।